कांग्रेस ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय द्वारा 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले को लेकर किए एक दावे पर पूर्व सांसद संजय निरुपम से माफी मांगे जाने के बाद कहा है कि राय के इस माफीनामे से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्ववर्ती सप्रंग सरकार को बदनाम करने के लिए चलाए गए सारे झूठ बेनकाब हो गए हैं। राय ने अपनी किताब में निरुपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों के साथ किया था जिन्होंने कैग की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेने के लिए उन पर कथित तौर पर दबाव डाला था। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 2010 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ। कैग के हेड विनोद राय के द्वारा रचा गया इसका मूल मंत्र कैग की रिपोर्ट होती थी। विनोद राय ने अब संजय निरुपम से कोर्ट में हल्फनामा के द्वारा माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि RSS व BJP की संस्थाओं के इशारे पर यह सब हुआ है। इस झूठ के कारण बहुत से लोगों को लाभ हुआ और सरकार बदनाम हुई है। मामले को बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, केजरीवाल व BJP ने पुरजोर तरीके से उठाया। उन्हें अब इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया ने कहा कि सरकार अब संस्थाओं का दामन करने में लगी हुई है। जिस संस्था ने एक समय में सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा वही अब सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ इस देश में और उसका धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है और उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2010 से 2014 के बीच में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई चुनी हुई कांग्रेस की UPA सरकार के खिलाफ, और उसके कहीं ना कहीं मुख्य संचालक, उसके कहीं ना कहीं मुख्य कठपुतली कह लूं, वो श्री विनोद राय जी थे जो उस समय CAG के हेड थे। वो खर्रे निकाल निकाल के ड्राफ्ट रिपोर्ट्स लीक करते थे और कहते थे इतने का नुकसान हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, और मीडिया उसको चलाता था। मैं भी मीडिया जगत में थी, मीडिया उसको चलाता था। विपक्ष, जब उस समय भाजपा विपक्ष में थी, इसको बहुत तूल देती थी, और कुछ जो चुने हुए लोग थे उसमें, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे किरण बेदी जी हो, चाहे VK सिंह जी हो, चाहे भाजपा के आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने एक बड़ी विशेष भूमिका निभाई थी। लेकिन मूल मंत्र जो इस पूरे का था वो CAG के यहां से आने वाली रिपोर्टें थी। अब अक्टूबर 2021 में CAG विनोद राय जी ने लिखकर कोर्ट में हलफनामा देकर हमारे तत्कालीन उस समय के सांसद संजय निरुपम जी से माफी मांग के कहा है कि उन्होंने झूठ बोला था कि संजय निरुपम जी ने उनसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम हटाने को कहा था कोल स्कैम में। इस झूठ से यह साफ हो जाता है कि तमाम झूठ की परतें अपने आप खुल चुकी हैं। मुझे याद है कि हर कोई 2G करता था, और सच यह है कि 21 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने 1522 पन्ने का जजमेंट है, जज OP सैनी के कोर्ट ने, उनके जजमेंट में उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्होंने धज्जियां खोल के रख दी सारे जो आरोप लगाए जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि ट्रायल में यह साबित नहीं हो पाया कि कोई भी स्कैम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर उठाता है कि आज करीब 11 साल बाद एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर पूरी तरह से साजिश करने के बाद क्या आज महज कोर्ट में माफी मांग लेने से ये लोग आरोप से बरी हो जाएंगे? किस तरह से CAG विनोद राय जी ने अपने आप किया, या अब हमें लगता है वो किसी और के हाथों की कठपुतली थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवाल उठता है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उस समय जो पुरजोर लोग इस चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे थे, आज वो कहाँ है आपको देखना पड़ेगा। एक बड़े चर्चित पत्रकार थे, आज वो मालिक है मीडिया एम्पायर के। VK सिंह जी उस समय सेवानिवृत्त थे, अब वो 2 बार के सांसद हैं, 7 साल से विधायक, 7 साल से मंत्री रह चुके हैं। किरण बेदी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन पुद्दुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के गई। केजरीवाल जी उसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बनाया, और आज वो 7.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं।
बाबा रामदेव जो शायद अब कारोबारी लाला रामदेव हो गए, उनका बिजनेस जिस तरह से बढ़ा और जिस तरह से ग्रो हुआ, वो शायद भारत के कॉरपोरेट घरानों के लिए एक सीख है कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग उससे लाभान्वित हुए। और ये झूठ कब बोला गया? विनोद राय जी ने किताब लिखी, उस किताब के चलते उन्होंने लाखों लोगों से इंटरव्यू किया, हर चैनल पर गए, हर न्यूज़पेपर से इंटरव्यू किया और बार बार झूठ बोला कि संजय निरुपम मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझसे नाम निकालने को कहा था, वो पीएससी के मेंबर थे तब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने मुझसे नाम निकालने को कहा था, उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में ये कहा। और जब संजय निरुपम जी ने उन पर मानहानि का दावा करके इस बात को की पुष्टि करनी चाहिए तो उन्होंने चुपचाप एक हलफनामा देकर माफी मांग ली कि हाँ मैंने झूठ बोला था। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्त होकर वो घर पे नहीं बैठे, वो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के प्रमुख बनाए गए, वो कर्ता धर्ता बन गए भारत के बैंक्स के। लेकिन क्या विनोद राय जी ने अपना एक बार भी मुंह खोला कि पीएनबी में इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया, 8.5 लाख करोड़ के लोन कॉर्पोरेट्स के कैसे माफ हो गए, कैसे मेहुल चौकसी और कैसे नीरव मोदी, कैसे विजय माल्या इस देश को छोड़कर भाग गए, वो तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चीफ थे और उनको भी इसका लाभ मिला। अपनी किताब को बेचने के लिए उन्होंने जगह जगह जाकर झूठ बोला और आज उसका नतीजा है कि एक चुनी हुई सरकार के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी पर दाग लगाया गया। लेकिन साच को आच नहीं है और कोर्ट्स ने, इस देश की न्यायपालिका ने पाया कि यह पूर्णतः मनगढ़ंत है, इसमें कोई स्कैम नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई की मार जनता झेल रही है, जनता ने जब इसका जवाब उपचुनाव में सरकार को दिया तो सरकार की नींद टूटी है। महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले का दमन कर दिया जाता है। जनता के पास वोट का अधिकार है जिसका प्रयोग दमनकारी सरकार के खिलाफ कर रही है। नोटबंदी की, और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका सबसे सही डिस्क्रिप्शन दिया था जब उन्होंने कहा था ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर है। और इसलिए उन्होंने ये कहा था क्योंकि जब नोटबंदी हुई उसके अगले 4 साल में हमारी जो आर्थिक वृद्धि की दर थी वो 8.2 से 4.1 हो गई, और ये कोरोना काल के पहले की बात है। नौकरियां खत्म हो गई कोरोना काल के पहले ही, हमारी बेरोजगारी की दर 45 वर्ष में सबसे ऊपर पहुंच चुकी थी। आज कैश इकोनॉमी में नोटबंदी से ज्यादा है। तो हमने नोटबंदी से क्या अचीव किया? हमने नोटबंदी से मात्र एक चीज अचीव करी कि तुगलकी फरमानों से सरकारें नहीं चलती हैं, सरकारें रणनीति से और सोच समझकर चलाई जाती हैं। क्योंकि अगर आज आप भाजपा में भी पूछिएगा तो उनके पास नोटबंदी के लिए कोई जवाब नहीं है। गोल पोस्ट चेंज होते रहे, पहले कहा गया ब्लैक मनी आएगा, कौन सा ब्लैक मनी आया? 99.9% पैसा सारा आरबीआई के पास वापस पहुंच गया। आज कैश बोलते थे कैश खत्म हो जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगी, आज कैश इकोनॉमी में ज्यादा है। टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी, टेरर फंडिंग आज भी हो रही है। 3000 किलो की जो हीरोइन है वो आर्म्स की हीरोइन है, वो पकड़ी जा रही है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो हर गोल पोस्ट जो था वो गलत था, वो चेंज होता रहा। ये तुगलकी फरमान था जो मोदी जी ने एक दिन सोचा समझा और खड़े होके बोल दिया। लेकिन वो शायद नहीं समझते हैं कि अर्थव्यवस्था और देश को चलाना बड़े रणनैतिक परिपक्व और सोचे समझे तरीकों से होता है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।